कोरबा में सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चॉकलेट खिलाने के बहाने आरोपी बच्ची को एक गोदाम के भीतर ले गए, फिर अनाचार की घटना को अंजाम दिया। मासूम बच्ची ने रोते हुए अपनी मां को पूरी बात बताई, जिसके बाद पुलिस से शिकायत की गई। मामले में अपराध कायम करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सक्ती जिले के ग्राम घोघरी में हुए जबरदस्त सड़क हादसे के दौरान एक वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। घर के बाहर सड़क किनारे चबूतरे में बैठे वृद्ध को बेकाबू कार ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद बिजली के खंभे को ठोकर मारते हुए कार पलट गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल वृद्ध को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान इसने दम तोड़ दिया। कार को जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। गड्ढे में तब्दील हो चुके सड़क के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर दीपका में पांचों प्रमुख श्रमिक संगठनों ने चक्का जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दीपका के श्रमिक चौक से वर्कशॉप तक जाने वाली सड़क काफी जर्जर हो गई है। सड़क पर मौजूद गड्ढों से कर्मचारियों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई कर्मचारी तो हादसों का शिकार होकर घायल हो चुके हैं। यही वजह है कि श्रमिक नेताओं ने श्रमिक चौक पर चक्का जाम कर दिया। करीब ढाई घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद SSCL के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सड़क पर मौजूद गड्ढों को भरने का काम शुरू करवाया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम को समाप्त किया। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में सर्व यादव समाज द्वारा स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री PS सिंहदेव, प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित यादव समाज के हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टियों ने यादव समाज के मंच से विधानसभा चुनाव में यादव समाज को सरगुजा सहित छत्तीसगढ़ में 5 सीट देने की बात कही। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी बहुत ही कठिन कार्य है। बस्तर और सरगुजा में आदिवासियों के यहाँ बिना शराब के कोई कार्य नहीं होता है। छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल गुजरात व बिहार सर्वे के लिए गए थे, लेकिन वहाँ भी परिणाम बेहतर नहीं मिले। सरकार शराबबंदी को लेकर अपना कार्य कर रही है, यह बातें आज आदिवासी विराट सम्मेलन में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कही। नेता प्रतिपक्ष एवं जांजगीर विधायक नारायण चंदेल का जन्मदिन बड़े ही उत्साह पूर्वक नगर पंचायत नवागढ़ में मनाया गया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया संघ द्वारा स्थानीय रेस्ट हाउस में केक काटकर उनके शतायु होने की कामना की गई। इसके बाद नगर पंचायत नवागढ़ के बस स्टैंड में भाजपा द्वारा भव्य स्वागत कर उनका जन्मदिन मनाया गया, जहां उन्होंने अपने अपने विधायक फंड से स्वर्ग रथ एवं शव मर्चुरी का लोकार्पण किया और इसकी उपयोगिता एवं रखरखाव के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने नगर पंचायत नवागढ़ के समस्त जनता व इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया संघ का आभार प्रकट किया। समय के साथ कोरोना के खतरे कोरबा जिले में बढ़ते ही जा रहे हैं, प्रभावित लोगों की संख्या में भी विस्तार हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क और सावधान करने के साथ कहा है कि अपनी ओर से लापरवाही का प्रदर्शन बिल्कुल ना किया जाए, ताकि कोरोना को फैलने का मौका ना मिल सके। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 11 नई बस्ती के अंतर्गत पानी टंकी इलाके के 50 से अधिक लोगों को रेलवे ने नोटिस देकर परेशान कर दिया। 15 दिन में यहां से नहीं हटने पर रेलवे जरूरी कार्रवाई करेगा। संभावित खतरे को देखते हुए यह लोग पार्षद के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्या बताई। कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जान जा रही थी। कई बार बात सामने आई कि दिल्ली NCR में प्रदूषित हवा में सांस लेना कठिन होने लगा है। अब जाकर हमने ऑक्सीजन, प्रकृति और पेड़ों के बारे में सोचना शुरू किया है, वरना सालों से ग्लोबल वार्मिंग जैसी विकराल समस्या हमें धीरे धीरे मौत के मुंह में ढकेल रही है। यह कहना है खिरमोहन नायक का। खिरमोहन बचपन से ही पेड़ लगाने में दिलचस्पी रखते हैं। कोरोना काल में निर्मित हुई वह भयावह स्थिति को देख और भी प्रबल रूप से पेड़ लगाने में जुट गए। अब खिरमोहन कोरबा शहर की सड़क किनारे पेड़ पौधों को पानी देते या रोपण करते दिख जाते हैं। गर्मी के परवान चढ़ने के साथ ही कोरबा के विभिन्न इलाकों में पानी की समस्या ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। नगर निगम के वार्ड नंबर 14 पंप हाउस मैगजीन भाटा क्षेत्र में पानी की सप्लाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए महापौर राजकिशोर प्रसाद ने क्षेत्र का भ्रमण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। पीढ़ियों से भारतीय घरों में पानी स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन यानी घड़े का इस्तेमाल किया जाता रहा है।
आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हीं मिट्टी से बने बर्तनों में पानी पीते हैं। उन्हें मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू बहुत भाती है। गर्मियों में स्वास्थ्य की दृष्टि से मटके का पानी गले के लिए अच्छा होता है। फ्रिज के ठंडे पानी की तुलना में इसका सेवन करना लाभदायक होता है। मटके के पानी का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह प्राकृतिक तौर पर ठंडा होता है। मटके में रखा पानी सही तापमान पर रहता है, न बहुत अधिक ठंडा न गर्म, इसलिए घड़े का पानी पीने से शरीर स्वस्थ रहता है।